नासिर मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबी नतायज मुस्तरद कर दिए हैं। हुकूमती हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ को अपोजिशन में मिलकर बैठने का मशवरा दे दिया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हम किसी जमात के इत्तेहादी नहीं। जमीयत उलमाए इस्लाम एक नजरियाती कुव्वत है। मुल्क के दाखिली निज़ाम और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर किसी मसलहत या समझौते का शिकार नहीं होगी और वसी मुशावरत के बाद मुल्क में अपने अजीमतर मकासद के लिए तहरीक चलाएंगे। कारकुन अपनी तारीख को अपनी कुर्बानियों से ताबिंदा रखने के अज़्म के साथ तहरीक में उतरने के लिए तैयार रहे। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। ने जैसे कहीं गद्दारों को पेंडेट दिया है। इलेक्शन के नतज इस बात का भी वाजे इशारा दे रहे हैं कि कामयाब या शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों से बड़ी बड़ी रिश्वतें ली गई हैं और बास को तो पैसे के बदले में पूरी की पूरी असम्बलियां अता की गई हैं। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूं कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें।